잘했어, 아니? 어. कैसे देते हैं आप लोग? हम लोग तो सुबह से इसमें ड्यूटी में आ जाते हैं। सुबह में दिन भर पूरा घूमते फिरते रहते हैं, दिन भर इधर ही रहते हैं, खाना खाने जाते हैं। आदमी 10 मिनट हम लोग लेट भी नहीं करते हैं, खाना खा के तुरंत आ जाते हैं। और इसमें पहरा एकदम ज़बरदस्त दिए, अच्छा से मेहनत किए। वन संरक्षण समिति का भूमिका क्या है? ये जंगल को बचाने में वन सुरक्षा समिति का भूमिका यही है कि हम लोग जितने ग्रामीण जनता हैं मिलजुल करके जंगल को बचाते हैं, जिससे हम लोग को पहला है कि ऑक्सीजन मिलता है, दूसरा है कि लकड़ी का यह स्रोत है, जो मिट्टी धीरे धीरे बह रहा है वो बहता नहीं है, जिससे चेकडैम बन गया। अब जो मिट्टी बह रहा था नाला से, है ना, वो मिट्टी तो बच गया, बहाव नहीं हो रहा है, है ना। दूसरा ये, तीसरा ये है कि पशु पक्षी जंगली जानवर, यहाँ पहले जंगली जानवर नहीं रहता था क्योंकि पूरा ही मरुस्थल की तरफ था, ठीक है ना। अब यहाँ जंगल है तो यहाँ बहुत सा ऐसे ऐसे हैं, जैसे सियार है, हुड़ार है, बाघ है, चीता है, हिरन है, आपका मेंजूर है, तीतर है, गुड़री है, यानी अनेक तरह का पंछियाँ आपको यहाँ मिलेगा, जिससे हम लोग क्या होता है हवा जो है शुद्ध मिल रहा है, जब इधर घूमने के लिए आते हैं तो आनंद लगता है ना। यही सब हम लोग है सो गांव गांव से, और हम लोग को वन सुरक्षा समिति जितने भी हैं सहमत हैं और हम लोग बहुत खुश भी हैं। वो भी तो ठीक रह रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ वनरोपण होने से ये फायदा है कि यहाँ जो हम लोग वनरोपण किए इससे छोटे छोटे पौधे भी तो फिलहाल बढ़ के 6-7 फीट हाइट हो गया, इधर देख सकते हैं। और फिलहाल इससे इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे कैटल वाचर रखे हुए हैं। इन लोग इस वनरोपण क्षेत्र को देखता ही है, साथ साथ जंगल है इसको भी इन लोग चारों तरफ घूम के देखता है, जिससे यहाँ का प्राकृतिक जंगल का कटाव कम हुआ है। बस वही है, इसी वनरोपण होने से पहले इस जंगल का स्थिति कैसा था? वनरोपण होने से पहले यहाँ भी एक दतवन भी नहीं था, अभी सब पेड़ पौधा कुछ भी नहीं था। जब 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 हम लोग यहाँ जब वनरोपण का ये हुआ तब पूरा हम लोग देख रेख करने लगे, तब ये सब साल ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा बड़ा सखुआ का पेड़, ये सब हम लोग रोके। हम लोग बराबर ड्यूटी करते हैं, सुबह शाम आते हैं और इसको देख रेख करते हैं। यहाँ पे बैल बकरी ये सब भी हम लोग देखते हैं, जंगल में घुसने नहीं देते हैं, इस वजह से पेड़ पौधा बढ़ता जा रहा है। वनरोपण को हम लोग लगन से मेहनत किए हैं, जब से इसका रोपाई किए हैं हम लोग दिन हो रात हो हर तरह परिश्रम करके हम लोग ने घूमते फिरते हुए भी इतना बड़े पौधे हम लोग करी हैं। बचपन से इसको पाल करके इतना बड़े सेवा करते हैं बच्चों के जैसा, और हम ये पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए हमारी सरकार की तरफ से जो जिम्मेदारी मिली है मैं निभाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रामीण कितना सहयोग करते हैं आपको? ग्रामीण लोगों सहयोग के द्वारा ही ये पौधे करीब 90% ग्रामीण लोग सहयोग हैं वन बचाव के
प्रारूप में, इसलिए ग्रामीणों के सहयोग से मैंने इतना बड़ा वृक्ष को तैयार किया। अच्छा, इस जंगल में वनरोपण के बाद कोई जंगली जानवर आए हैं? जी सर, आए जो हिरन है, नीलगाय है, कोटरा है, और जंगली जानवर भालू है, ये सब आते हैं तालाब वालाब में, चगड़े वालाब पानी पी के और चल जाते हैं, लेकिन कभी कभी खेती तरफ भी घुस जाते हैं। वनरोपण के पहले स्थिति कैसा था? स्थिति बहुत उजड़ा हुआ था, जंगल वैसा नहीं बचा था, जो देखने में हरा भरा नहीं लगता था। वनरोपण के बाद पूरा जंगल जो सुरक्षित बच गया और लगा, उसके वजह से हरा भरा लगता है, उससे जंगली जानवर ज़्यादा आने लगा। अच्छा, ये जो सिकरी 117 हेक्टेयर का जो प्लांटेशन है, इसको बचाने में कितना जोर दिए हैं आप? बहुत जोर सर लगाए, जैसे शाम सुबह जानवर को देख रेख करना हुआ, पब्लिक से भी आम जनता से लेना हुआ मदद, कि जंगल के बारे में क्या बहुत अच्छा लग रहा है, हरा भरा जगह थी जंगल, इसलिए बहुत मदद किए हैं। पहले इसका सब एकदम खराब था स्थिति, झाड़ी केवल बचा था, और जब से हम देख रेख कर रहे हैं, जब से हमारा सौंपा गया है इस काम को, उस वक्त से हम अच्छा से देख रहे हैं और गाछ वृक्ष को बचाने का काम कर रहे हैं। का बचत हम लोग देखभाल करते हैं, सुरक्षा गांव वाला जो जानवर हो गया, और कटनी छटनी जो होता है उसका मतलब सुरक्षा करते हैं, सही देखभाल करते हैं। वनरोपण से जो जंगल बढ़ रहा है, इसे क्या जंगली जानवर वापस आ रहे हैं? हाँ, जंगली जानवर है बहुत, है बहुत। जैसे कि हम लोग खोटम बोलते हैं, हुंडार बोलते हैं, सियार बोलते हैं, लकड़ा बोलते हैं, हाथी है, और मोर भी है, खरगोश भी है। ये सागवान का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, इसका मतलब प्लांटेशन सक्सेसफुल रहा है जी। कैसा संभव हुआ ये सब? ये जब से प्लांटेशन का काम आया सर अधिकारी के पास से, तो हम लोगों को सूचना मिला वाचर को, अध्यक्ष को, कि पहले साफ सफाई किया जाए, उसके बाद वृक्षारोपण का कार्य किया जा सकता है सरकार की तरफ से, सर लोगों की तरफ से। उसके बाद बीज को भी बढ़ाया गया, उसके बाद हम लोगों को कुड़ाई किए, कुड़ाई करने के बाद जब पौधा तैयार हो गया, उसके बाद फिर हम लोगों को सर से आदेश आया कि इसको पौधा को अब लगाया जाए स्थल पर, तो हम लोग स्थल पर ला करके लगाए, और इतना हम लोग रात और दिन इसको अपना जैसे बाल बच्चा जो होता है जन्म देता है उस समय से जो पालता पोसता है, उस तरह से हम लोगों ऐसे पेड़ को, पौधा को हम लोग लगाया, और अभी तक प्रयास है कि हम लोगों को जो भी जितना भी कठिनाई करना पड़ेगा हम लोग ग्रामीण का सहयोग से कर लेंगे, और पौधा को हम लोग आगे तक ले जाने का संभावना हम लोग आशा और उम्मीद रखे हुए हैं।
हम यहाँ चारों तरफ से पशु से सब रक्षा कर रहे हैं, किसी को जानवर को एक भी लमने नहीं देते हैं, चरने उन्हें नहीं देते हैं, और आदमी लोग से भी सुरक्षा कर रहे हैं, को किसी को काट ना दे। अच्छा, ऐसा देख रहे हैं पहाड़ में भी पेड़ पौधा लगाया गया है, कैसे संभव हुआ? ये शाम सुबह से देख देख करना पड़ता है, तभी बचा है ना, नहीं बचता। इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं? इसमें हिरण, चित्रा जो हम लोग बोलते हैं, वही सभी पत्ता खा जाता है, खरगोश है। अच्छा। उसके बाद जंगली जानवर में ये जंगल का सुअर है। पहले ये जगह कैसा था? पहले बंजर वैसी पड़ा हुआ था झाड़ी। वनरोपण के बाद आप लोग इसको कैसे बचा रहे हैं? पूरे घूम घूम के ड्यूटी करके बचा रहे हैं, झाड़ी वगैरह सब सफाई करवाए, कोड़नी निकोनी करते हैं तब बचाए। यहाँ पर शाम सुबह हम आते जाते हैं, कोई दिक्कत गरु जानवर के चलते। गाछ उछ भी हम पूरा देखते हैं, कटने नहीं दे रहे हैं, सब पूरा पहरा दे रहे हैं शाम सुबह। अभी अभी हमारे यहाँ जो योजना भी चालू है, उस योजना से संबंधित हमने लगभग सभी जगह अच्छे प्लांटेशन हैं। जब हम पौधा रोपते हैं तो उसमें कीटनाशक भर्मिंग कंपोस्ट, कीटनाशक नीम करंज खल्ली सब दे करके ही, कंपोस्ट वगैरह दे कर ही उसे प्लांटेशन करते हैं, जिसके कारण उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। यहाँ संयुक्त ग्राम वन प्रबंधन समिति के माध्यम से हर जगह मैंने उसको कैटल वाचर को रूप में रखा है, और उसकी दायित्व भी बनती है कि जो है वह सुरक्षा की भावना से और अपना एक अस्तित्व बनाए रखने के भावना से और वन विभाग को सही ढंग से प्लांटेशन को रखने के ख्याल से भी जो है वो लोग अपने स्तर से सुरक्षित करते हैं। इसका गाइडलाइन हम बराबर समय समय पर करते रहते हैं, और जिस क्षेत्र में इन लोग को होता है कि सस्पिशन होता है कि पशुओं से चराई हो रहा है या अवैध कटिंग हो रहा है, तो वैसी स्थिति में मैं तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को जेल देता हूँ।